बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं रंच सॉस, जिसको कबाब के साथ खाया जा सकता है, और अगर आप रैप बना रहे हैं उसके साथ इसको लगा के खाया जा सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी जाएगी मायनीज, हमारे पास है 1, 2, 3, 4 टेबलस्पून हमारी मायनीज चली गई। अभी हम सोर क्रीम बनाएंगे। सोर क्रीम के लिए हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए। व्हिप क्रीम लेनी है तकरीबन 3 टेबलस्पून। इसमें हमने मिल्क ऐड करना है तकरीबन 1 टेबलस्पून। अभी हमने सिरका ऐड करना है तकरीबन 1 टीस्पून। अभी इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारी सोर क्रीम रेडी हो गई है। अभी सोर क्रीम को मायनीज में ऐड कर देंगे। देखिए हमारे घर में सोर क्रीम रेडी हो गई है। दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे। थोड़ा सा हम लेमन जूस डालेंगे 1 टेबलस्पून। इसे मिक्स कर लेते हैं। ये सॉस रैप के साथ खाने के लिए, कबाब के साथ खाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हमने थोड़े से पर्सले लिए हैं, धनिया यानी ग्रीन कोरिएंडर वो ऐड कर देंगे। ये हमारे पास है ब्लैक पेपर, ये थोड़ी सी ऐड कर देंगे। ये हमारे पास ओरिगैनो है, वो ऐड कर देंगे। अभी इसे मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा सा ओरिगैनो और ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा सॉस रेडी हो गया है, रंच सॉस। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमारा रंच सॉस रेडी हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।